हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है रिक्वेस्टेड है, एक हमारी बहन ने रिक्वेस्ट किया हुआ है। हमने देवी गीत गा के वीडियो भेजा था आप लोगों तक, तो उस पर कमेंट था कि विवाह गीत आप भेजिए। तो इसके लिए रिक्वेस्ट आप सबकी हो, मैं पूरा ना करूँ ये तो हो ही नहीं सकता है। तो मैं एक प्यारा सा विवाह गीत अपने दर्शकों को सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि यह विवाह गीत आप लोगों को अवश्य पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल पर जो भी भाई बहन नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग समझ सकते हैं, जब भी हमारे पिताजी मार्केट जाते हैं तभी मैं गाने का वीडियो शूट करती हूँ, और डेली रूटीन मेरा वही होता है। जिस रूटीन में मैं तैयार रहती हूँ, ऐसे ही आप लोगों से मुलाकात करती हूँ, और मैं खुश रहती हूँ कि आप लोग मुझे पसंद भी करते हो, यही बात है। तो मैं आइए आप सबको एक प्यारा सा विवाह गीत सुनाती हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग वीडियो को फुल वॉच करेंगे, लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। प्लीज़ यार, दोस्ती बनाए रखिए, हम भी लाइन में लगे हुए हैं, देखिए कब तक पहुँचते हैं आप लोगों के पास। क्योंकि यहाँ पर आज मैं बता दूँ, मैं खुश हूँ, मेरे दो चार साथ वाले भाई बहन का चैनल जो है मोनेटाइज भी हो गया है, एक बिना यज लाइफ है, मैं बहुत खुश हूँ। उनके वीडियो, वो हमारी वीडियो हमेशा आती हैं बहन, और सब लोग लाइव भी करते हैं। तो यल भी करने का क्या है कि वॉच टाइम जल्दी पूरा हो जाता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं वो नहीं कर पाती हूँ। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट, आप लोग हमारे वीडियो पे वॉच कीजिए, सपोर्ट आप लोगों का बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो आइए इसी उम्मीद के साथ सुनते हैं यह प्यारा सा विवाह गीत, और देखते हैं आप लोग कितना पसंद करते हैं। जो है अवधी भाषा में, हमारे यहाँ जैसे गाया जाता है लड़के की शादी में, वही गीत हम आपको सुना रहे हैं। एक मिनट दे दीजिए हमको। और एक बात आप लोगों से और कहना चाहती हूँ कि अभी विवाह का सीजन नहीं है, नवरात्रि के बाद यानी अक्टूबर के बाद जो है नवंबर में शादी शुरू हो जाएगी, तो शादी का सीजन हो जाएगा। पहले का क्या है ना, पहले मई जून अप्रैल से शादी शुरू होती थी, जुलाई तक कभी कभी लगन रहती थी, शादी पड़ती थी, और गौना होता था नवंबर दिसंबर फरवरी मार्च तक। तो अभी का क्या है कि शादी और गौना दोनों साथ में ही हो जाता है, तो इसके लिए गौना गीत तो कोई वही नहीं रह गया है जिसका किसी किसी के यहाँ नहीं सहता है। तो जैसे शादी आज हुई, कल बारात आती है, एक दिन दो दिन करके दुल्हन आ जाती है, तो उनमें हो जाता है। बाकी अब शादी का ही गीत चलता है, लगनवा है, विवाह गीत है, बन्ना बन्नी है, ये सुहाग है, यही सब गाया जाता है। तो 12 महीने शादी होने लगी है, 12 महीने गौना होने लगा है, पहले का कोई नियम नहीं रह गया है। तो आइए सुनते हैं प्यारा सा यह विवाह गीत। बाट चलत
प्यारे दोस्तों, यही विवाह गीत है, मतलब अवधी भाषा में। इसे आप ललनवा में भी गा सकते हैं, जो है जो राग आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। गीत कोई भी हो तो आप गा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब गीत जो है ये अवधी भाषा में है और ललनवा कभी गाया जाता है तो आप वो भी राग ले सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मिलते हैं, हो सकता है कुछ भूल चूक भी हो गई हो, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है। शादी ब्याह जब पड़ती है तभी किताब काफ़ी उठता रहता है। अब देखिए, बीच बीच में ब्लॉग शेयर करती हूँ तो भूल तो नहीं हुए, लगभग मुझे याद है। अभी अगले साल मेरे यहाँ भतीजे की शादी थी तो गीत बहुत ज़्यादा प्रोग्राम अच्छा हुआ था, जो है ये बरीक्षा गीत सब कुछ हुआ था, मज़े से हम लोगों ने खूब इंजॉय किया था। अब तो चैनल पर हूँ तो जो भी शादी ब्याह होगा सब अटेंड करूँगी, उसके बाद आप लोगों तक शेयर करूँगी और खूब मस्ती आप लोगों के पास भी जाएगी। आप लोग देखेंगे कैसा गीत वगैरह हमारे यहाँ होता है शादी ब्याह में। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। एकदम पूरा प्योर अवधी है ये हमारा गीत, जो है जैसे हमारे लैंग्वेज में गाया जाता है और ललनवा में गाया जाता है। सुहाग का अलग आवाज़ है और बन्ना बनी का अलग है और ये वाले गीत का अलग है। गाइज, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो को फुल वॉच, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जो है ऐसे ही प्यारे गीत या ब्लॉग के साथ। और आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे वीडियो में आपको कहीं भी कोई भी मिस्टेक हो तो आप हमें बता सकते हैं, बट प्लीज़ हेट कमेंट मत कीजिए। जो भी गलती हो वो बताना, हमारे चैनल पर ही नहीं, हर बहन के चैनल पे, हर भाई के चैनल पे जो भी कमियां हैं कमियां गिनाइए, गलत बात मत बोलिए। इस बात के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने लिए नहीं सबके लिए। जो है आप गलत बोलते हो तो आप भी अपनी इमेज ख़राब करते हो और जिसको गलत बोलते हो उसको हर्ट होता है। इस बात के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ। बाय।